नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आर्यन खान केस में वसूली के एंगल ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। इस केस में एनसीबी के गवाह ने समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए थे और नवाब मलिक ने वसूली की बात कहकर वानखेड़े को जमकर घेरा था। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने नवाब मलिक के आरोपों को झूठा करार देते हुए बड़ा खुलासा किया है, जिससे नवाब मलिक बुरे फंस गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नवाब मलिक और उनकी गैंग ने एनसीबी अधिकारी वानखेड़े को फंसाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। उन पर आर्यन केस में वसूली के आरोप लगाए। एनसीबी के गवाह ने भी वानखेड़े को फंसाने के लिए वसूली की बात कही, लेकिन मुंबई पुलिस ने वानखेड़े को राहत और नवाब मलिक को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल मुंबई पुलिस को आर्यन केस में जबरन वसूली से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले, ऐसे में अगले आदेश तक जाँच को रोक दिया गया। इस मामले में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस ने इसकी जांच के लिए स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया था और करीब 20 लोगों से पूछताछ की थी। जब इस मामले में सबूत नहीं मिले तो पुलिस ने कोई मामला भी दर्ज नहीं किया, जिससे नवाब मलिक का झूठ तो बेनकाब हुआ ही, साथ ही गवाह की असलियत भी सामने आ गई। दरअसल एनसीबी के स्वतंत्र गवाह प्रभाकर ने आरोप लगाया था कि उसने आर्यन की गिरफ्तारी और शाहरुख से 25 करोड़ रुपए की मांग के बारे में फोन पर बात सुनी थी और उसमें से कुछ रकम वानखेड़े को दी जानी थी। प्रभाकर के इन आरोपों के बाद मुंबई पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया था, जिस पर जांच हुई तो पता चला कि वानखेड़े पर लगे आरोप झूठे हैं और न ही उनके खिलाफ कोई सबूत मिले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीबी और उनके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ड्रग्स जब्ती मामले में जबरन वसूली के आरोपों के खिलाफ एक विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। एनसीबी और वानखेड़े ने अपने हलफनामे में कहा कि ये मामले में बाधा पैदा करने और जांच को बाधित करने का प्रयास था और ये बात अब सही भी साबित हो गई है। वहीं आर्यन खान केस में कार्रवाई करने वाले एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उससे पहले उनकी मुश्किलें बढ़ाने की विरोधियों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन विरोधी अपनी चाल में नाकामयाब रहे और नवाब मलिक भी बुरे फंस गए और आखिर में वानखेड़े की ही बड़ी जीत हुई। ड्रग्स केस में नवाब मलिक समेत एनसीबी के गवाहों ने वानखेड़े को फंसाने की तमाम कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी चाल पर पानी फेरते हुए बड़ा खुलासा किया और बता दिया कि ड्रग्स केस में लगे वसूली के आरोप झूठे हैं, क्योंकि वसूली के कोई भी सबूत उन्हें नहीं मिले। इस खुलासे के बाद वानखेड़े के विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।